तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं, और ये मीडिया के लोग जो इंग्लिश चैनल है News 18, वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, When injustice becomes law, rebellion becomes a duty। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये थॉमस जेफरसन अमेरिका का सदर ने कहा था, और ये रिपोर्टर का, इसके घर से यह निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, When injustice becomes law, rebellion becomes a duty। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते? अगर उसने किया, आफरीन फातिमा के बाप ने किया, तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वह फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया, तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा, 5 लोगों की हत्या का इल्जाम। ये सबका साथ सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा,
तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजों से कह दो अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की फिर, क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो। तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदके में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला।